नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर सकें, आपको सचेत करा सकें आपकी स्वास्थ्य आपकी सेहत के प्रति, क्योंकि कई ऐसे रोग हैं जो इस वातावरण में व्याप्त हैं, इस पर्यावरण में घुल मिल चुके हैं कि कब कौन सा रोग आपके शरीर के साथ लग जाए कुछ नहीं पता। और ख़ास तौर पर बदलते मौसम, पर्यावरण, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, कुछ अच्छे बदलाव और कुछ बुरे बदलाव, जिससे हम अगर ध्यान ना दें जिसकी वजह से हमें नुकसान होने लगे। लेकिन जब शुरुआती दौर में रोग होता है, जब वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब भी हमें महसूस हो, ज़रा भी हमें अपने शरीर के परिवर्तन महसूस हो, तभी हमें तुरंत ध्यान दे देना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत दुर्लभ होती हैं, तो इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम से आप जब भी जुड़ते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें, और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, का कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश अपना भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तमाम ऐसे लोगों के लिए जो अक्सर जिनके जैसे जो त्वचा होती है चेहरे की, गालों का मुलायम होना, सॉफ्ट होना, सौम्य होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इनमें खुरदुरापन आ जाता है, रूखे गाल हो जाते हैं, तब ऐसे में फिर कभी कभी दरारें भी पड़ना शुरू होती हैं और भी बहुत सी दिक्कतें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो आखिर रूखेपन का क्या कारण हो सकता है, और इस रूखेपन, इस खुरदुरेपन की वजह से और कौन कौन से नुकसान लाजमी हैं? देखिए, सर्दियों में तो अमूमन 70% के गाल खुरदरे हो जाते हैं जी, ये खुश्की का कारण होता है। जब आपके अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे कम हैं, तो जैसे गर्मियों में खुश्की से जमीन फट जाती है, ऐसे आपके गाल फट जाते हैं जी, वो खुरदरे होते हैं। और मेडिकल में तो तरह तरह की क्रीमें बना रखी हैं, लगाओ, उनके लगाने से थोड़ी देर के लिए मुलायम हो जाते हैं, परंतु उससे चेहरे का जो है ना उड़िया बिगड़ जाता है जी, बहुत नुकसान करती है जी, केमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि रात को सोते समय और सुबह उठ करके जो हम अनाज खाते हैं, चाहे गेहूँ है, चाहे मक्का है, चाहे बाजरा है, थोड़ा बहुत इसका चोकर निकालते हैं जी। थोड़ी सी चोकर लेके, यानी 100 ग्राम चोकर होनी चाहिए जी। अब इस चोकर को आप किसी भी जो आपके पास नींबू का जूस है या किसी और चीज़ का खटास वाली कोई भी चीज़ है, उसके अंदर इसको तर कर दें और तर करके, तर जो करना है इसको, तो या तो मिट्टी का बर्तन हो या चीनी मिट्टी का, कहीं कांस्य का, पीतल का या अमोनियम का या स्लीपर का ना हो, ये नुकसान करेगा।
मिट्टी का बर्तन हो सबसे बढ़िया, चीनी मिट्टी का ले लो। 2-2.5 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए, रात को भिगो दे, सुबह लो, सुबह भिगो दे, शाम को लो। और इसको फिर इसमें से निकाल करके हल्के हाथों से जैसे मालिश करते हैं ऐसे चेहरे पे अच्छी तरह मालिश करें, जहाँ भी खुरदरापन हो मालिश करें। और मालिश भी आपने कम से कम 1/2-1.5 घंटा करनी है। फिर उसके बाद आप हल्के गर्म पानी से उसको धोना है। तो एक बार के प्रयोग करने से अब आपका कम से कम 8-10 घंटे के लिए चेहरे में खुरदरापन नहीं होगा, मुलायमी होगी। जैसे मक्खन मुलायम होता है ऐसे हाथ फेरते बिल्कुल मुलायम होगा। परंतु एक क्रिया आप 15-20 दिन लगातार सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं तो उसके बाद जैसे बच्चा माँ से गर्भ से लेके जन्म लेता है और जन्म लेने पे जैसे उसकी चमड़ी मुलायम होती है ऐसे मुलायम हो जाती है। इसमें गेहूँ की चोकर हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो किसी भी अनाज की चोकर हो वो सभी काम करती है। सिरका जो है चाहे नींबू का है, चाहे जामुन का है, चाहे कच्चे आम का आपने बना रखा है, सिरका इसमें 4 चांद लगा देता है। खटास जहाँ भी रखी जाए वहाँ पे जितनी भी मैल जमी हो उसको ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतरता है। चेहरे पे सुंदरता लाने के लिए, खुरदरे गालों को हाथों को मुलायम करने के लिए सिरके में भिगोए हुआ चोकर कम से कम 4-6 घंटे भिगो रखा है उसके आप मालिश करते हैं तो जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डालकर उसकी मैल निकाल देते ऐसे चेहरे की मैल उतर जाती है। और जो चमड़ी आपकी फट चुकी थी उसको उतार देता है और नीचे से नई चमड़ी आती हो मुलायम आती हो, फटती नहीं है। और यदि आप 12 महीने भुने वो चने छिलके वाले रात को पानी में भिगो देते हैं 20 ग्राम, सुबह उस पानी को निकाल के फेंकते साफ पानी से उसको धो के फिर चनों के छिलके के साथ पीस करके मक्खन जैसा मुलायम करके 1 गिलास गर्म पानी में घोल के पीते हैं तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की सारी चमड़ी आपकी ऐसी मुलायम होगी जैसे माँ के गर्भ से बच्चे की जन्म लेने के बाद चमड़ी मुलायम होती है जी। परंतु अब इसमें खान पान पर ध्यान देना, चाय नहीं पीनी, चाय पिएंगे तो फिर आपको रोग होगा, कॉफ़ी नहीं पीनी। जिनको चाय कॉफ़ी पीने की आदत है उनको चाहिए कि मोटी मोटी गेहूँ निकाल के पहले उसको भून लें, फिर उसका दलिया बना लें, दलिया बना के उसको छान लें, छान करके जो मोटा है उसमें से 10 ग्राम 1 गिलास पानी में उबाले। जब आपका चौथा हिस्सा पानी रह जाए गिलास का, 200 ग्राम का 50 ग्राम रह जाए तो इसको छान करके और इसके अंदर चाहे आप शहद मिला लें चाहे सिंधा या काला नमक मिला लें। अब इसको आप चाय की भांति पीते हैं तो एक तो आपका नशा पूरा हो, एक हफ्ता तो मुँह नहीं लगा, हफ्ते के बाद आप दूसरी चीज़ पी नहीं सकते। और अंदर की खुश्की को निकालने के लिए गेहूं की चाय अमृत का काम करती है, लीवर को ठीक करने के लिए, फेफड़े सांस की नाली का रेशा निकालने के लिए,
दिल के खून को गाढ़े को पतला करने के लिए, गुर्दे के जाड़े को काटने के लिए गेहूं की चाय एक किस्म का अमृत है, परंतु इसमें चीनी नहीं डालनी। चीनी डालेंगे तो आपको बहुत भयंकर नुकसान करेगी। अमृत के अंदर थोड़ा सा भी जहर डाल दिया जाए तो अमृत का प्रभाव समाप्त होके जहर ही अपना असर दिखाता है। तो परहेज सबसे बड़े हैं। आप जितने मर्जी दवाइयाँ खाएं, जितने मर्जी उपचार करें, यदि आप परहेज नहीं करें तो आपको कोई लाभ नहीं होगा आयुर्वेद। ये मेडिकल साइंस नहीं है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उस अंग को सुन कर दो। यहाँ पे किसी अंग को सुन नहीं किया जाता, रोग को काटा जाता है, अंग चेतना में रहता है। आज जो बीमारी इतनी ज़्यादा फैलती जा रही, इसका मेन कारण है आपका फ्रिज, एसी, पंखा और कूलर। मेरा नाम द्वारका है, मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सुकड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था 4 बजे, तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुँचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सुकड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली, यहाँ से 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही, जब मैं बॉर्न हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स ने मेरे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वे वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उन्होंने उनको लिवर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया। उनका सीरियस तकलीफ था उनका काफ़ी, तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद मैंने, जब उन्होंने नर्व चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी मैंने उनको बताया नहीं, मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली, तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार किया, सीढ़ियों से राउंड मार के आया मैं नीचे आया। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी के कभी कैसा लग रहा है, मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही, मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जगह के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी जी, नमस्कार गुरुजी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा था। आपका शुभ नाम? राकेश बोल रहा हूँ गुरुजी। राकेश जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुरुजी, नींद में ना दौरे आते हैं और खाली नींद में आते हैं, 10-12 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, दवाई खाते हैं तो ठीक रहता है, नहीं खाते हैं तो फिर दोबारा जाता है, तो इसके लिए क्या कोई समाधान? मैं बहुत परेशान है, तो कोई समाधान अगर गुरुजी बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। देखो बेटा, मेरे पास दौरों वाले आदमी हर महीने 50 से 60 आते हैं, किसी का इलाज 2 महीने होता, किसी का 3, दौरे बंद हो जाते हैं। दौरे आने का एक कारण, इसके 3-4 कारण होते हैं,
और मैं नारी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आप बोलेंगे कि मुझे बीमारी है या आप कागज पत्र ला के दिखाएंगे, तो उसमें मैं लाज नहीं करता। मैं तो जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लची मुँह में रख के चूसते रहना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको दौरा नहीं पड़ेगा। जो दवाई नाक में डालने की है, आपको दौरा पड़ने लगा या पड़ गया तो नाक में डालने के बाद 10 सेकंड के आदमी उठ के बैठ जाता है। जिसको दौरा पड़ने के बाद घंटा घंटा दो दो घंटे होश नहीं आता, उसको नाक में दवाई डालते ही 10 सेकंड में होश में आ जाता है। बिल्कुल, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण करना ज़्यादा आवश्यक है। पहले नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आपकी जो दौरे की जो समस्या है इसकी असली वजह क्या है, क्योंकि इसके कई वजह भी हो सकती हैं। दवाइयों का ओवरडोज भी एक कारण हो सकता है, इन्फेक्शंस भी कारण हो सकता है, ब्लड का और भी कई चीज़ें हैं जो कारण बनती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आप आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके TV स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर हम रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मंजू सिंह जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। पेशेंट है इनके पास, इनके घर में, बता रहे हैं किडनी फेलियर है, डॉक्टर्स ने कहा है और अब इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, बस हालांकि किडनी को रिपेयर करने में बहुत समय लगेगा ऐसे डॉक्टर्स का कहना है, तो ये स्वस्थ विचार आश्रम की शरण में आना चाहते हैं। देखो, यदि हफ्ते में आप 2 बार डायलिसिस करवाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाएगा। यदि 3 बार डायलिसिस करवा रहे हैं तो आने की ज़रूरत नहीं है, फिर किडनी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, वो ठीक नहीं होगी। और यदि डायलिसिस नहीं कराते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन से इसको टट्टी पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा और 15 दिन में इसको कम से कम 50 से 60% आराम मिलेगा, 1 महीने में पूर्ण रूप से इसकी किडनी काम करेगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये जो चीज़ें आप सभी को बताई गई हैं गुरुजी के माध्यम से बहुत ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों को आपने नोट शुरू कर लिया होगा। हमारे तमाम कार्यक्रमों को जो आप देखते हैं रोज़ाना अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने हमें अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।